अगर आपको अभी तक पेगासस के बारे में नहीं पता तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि इस पेगासस की वजह से पूरी दुनिया में आईफोन्स हैक हो रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया के कुछ मेजर पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट के फोन भी पूरी तरह से हैक कर दिए हैं। पर शायद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं क्या है ये मामला। उससे पहले आपको पेगासस के बारे में बताता हूँ। दरअसल पेगासस ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इजराइल के टेक्नोलॉजी फर्म एनएसए ग्रुप ने डेवलप किया है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि दूसरों के पर्सनल डाटा को हैक करने में मदद करता है। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में एक बार इंस्टॉल्ड हो गया तो टेक्स्ट, व्हाट्सएप, ईमेल से लेकर आपका लोकेशन और बैंक डिटेल्स तक सारा कुछ ट्रैक हो जाता है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर भी कहते हैं। और एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर ऑथराइज गवर्नमेंट के लिए ही बनाया गया है। यानी कि मान लो कोई बड़ा क्राइम या टेररिस्ट अटैक प्लानिंग हो रही है, तो उस समय स्पाईवेयर को यूज करके सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये पहला ऐसा स्मार्टफोन अटैक है जो आईफोन को भी इजीली हैक कर सकती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली iOS सिस्टम को ही ये स्पाईवेयर टारगेट करता है। और जिन्होंने आईफोन के लिए इतना खर्चा किया है उनके लिए मेरा बोलने लायक कुछ भी नहीं बचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर हमारे फोन्स में कौन इंस्टॉल करेगा, तो इसका जवाब है ये स्पाईवेयर मैसेज क्लिक लिंक या फिर जीरो क्लिक पर भी इंस्टॉल्ड हो जाता है। यानी पेगासस ने आपको टारगेट किया है तो भाई वो आपको इंटरेक्शन किए बिना ही आपके फोन पर कब्जा कर सकता है। इस NSO ग्रुप ने ऐसे हंड्रेड ऑफ स्पाईवेयर UAE और बाकी के गल्फ स्टेट को बेचे हैं, और वो भी मिलियंस ऑफ US डॉलर में। ये कंपनी अपने कस्टमर्स के आइडेंटिटी तक छुपा के रखती है। रिसेंटली दिसंबर 2020 में एक इन्वेस्टिगेशन टीवी शो द टिप ऑफ द आइसबर्ग में भी इस पेगासस के बारे में बहुत कुछ बताया गया था कि कैसे इजराइल इस स्पाईवेयर की मदद से अपने ओपोनेंट के पर्सनल डाटा को ट्रैक करता है। रिसेंटली जुलाई 2021 में ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज ने भी पेगासस के बारे में कुछ ऐसी चीजें दुनिया के सामने लाई है जिससे आज इंडिया भी खतरे में है। इन दो ग्रुप्स ने ग्लोबली हजारों नंबर्स के लिस्ट ढूंढ के निकाली है जो कि पेगासस स्पाईवेयर पोटेंशियली टारगेट कर रहा है। और इस लिस्ट में इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और ऐसे 300 लोगों की नंबर मौजूद है, जिसमें राहुल गांधी और मोदी गवर्नमेंट के दो मिनिस्टर के नाम भी शामिल है। और इन सब का पूरा आरोप हमारी मोदी गवर्नमेंट पर ही आ चुका है। अब ऐसा कहा गया है कि मोदी गवर्नमेंट के दो मिनिस्टर इस लीक में NSO ग्रुप के साथ शामिल थे। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो पता नहीं, पर जो भी सच है वो ज्यादा दिनों तक छुप कर नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जब डेटा सिक्योरिटी के ऊपर बात आई तो फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े कंपनियों का बड़ा ईगो हट हुआ और वो चुप तो नहीं बैठेंगे। 2019 में ही फेसबुक ने इस NSO ग्रुप के ऊपर केस फाइल कर दी थी। अब फेसबुक को सपोर्ट करने के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी इस लड़ाई में उतर गए हैं, लेकिन US गवर्नमेंट ने अभी तक NSO के अगेंस्ट कोई भी लीगल स्टेटमेंट पास नहीं किया है। और अब इंडिया भी इसी का शिकार हो चुकी है। तो अब देखते हैं हमारे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है। तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।